दो चार दिन पहले मैं नहीं था तो नमाज का वक्फा नहीं दिया गया, तो मैं मेरे खौफ से या किसी के खौफ से या किसी की जानिब से क्यों ऐसा हुआ? मैं नहीं होता हूं तो नमाज का वक्फा नहीं है। अपने अल्फाज वापस ले मेरे ख्याल से, आप भी ये मजहब की बातें ना किया करें। नहीं, अब आपके कहने पर पूरी असेंबली नहीं चलेगी। नहीं, मैं ये तो बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों को नबी अलैहिस्सलाम का दीन बहुत परेशान करता है और ये बिल्कुल वाज़े बात है। आज लोगों ने दीन भी परेशान कर जाता। ओ जी, आप मजहब की बात ना करें, जो हुजूर जो दीन दे कर गए तो चमकता हुआ दीन दे कर गए, और तेरे वड्डे की गल करी, गल तो मजहब दी होनी। पाकिस्तान भी मजहब के नाँ ते बनया, पहले कायदे आजम ते इकबाल नू जाके समझाओ तुसी मजहब का नाँ क्यों लिया। इन्हें उस वेले नारा लाया बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन्हें मजहब का ना इस्तेमाल किया पाकिस्तान बनया। आज तो एडे दर दे तो दोबारा हिंदुस्तान चले जाओ, मोदी तो जड़े हैं उन्होंने भी कड्डू हुए। इतने बद नसीब हो कि अल्लाह ने तो पाकिस्तान की नेमत दी, तुम हजूर के दीन का ना नहीं लैन देते। जोड़ा ना लवे तो कहें दहशतगर्द जी, ये इंतहा पसंदियां करता। सब ही यहां रहते हैं, रहे ना सब, हमने किसी को क्या कहा है? इतने नहीं हिंदू नहीं रह रहे, सिख नहीं रह रहे, बाकी भी रह रहे। असी तो कानून कोई नहीं पास किया भाई इतो नैशनैलिटी किसी को नहीं देनी। रवो, सारे रवो, लेकिन बंदे ने पुत्र बन के रवो। जिन्हों जनाब घर रोटी भी ना लभे वह भी कहना मौलवी ऐसे होते, मौलवी ऐसे होते। जो मौलवी बख्शे गया तो अभी पहले बख्शे जाए। एडी टिकट कटाई इन्होंने।